I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब भूल जाओ। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी दवा लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ दीदी, मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यही रहो, जो बोल रही हो सुनो। तुम्हें तेज बुखार है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? हा? जल्दी आ जाओगी ना? तेरा नाम क्या है? जिसका भी है उसे ढूंढो। कल पूरी रात वो गाड़ी तू ही चला रहा था क्या? हाँ, मैं चला रहा था। लड़की कौन सप्लाई करता है? भाई, वो सुधाकर नाम का आदमी है। कौन? वही जो सैलून चलाता है, वही सुधाकर? हाँ, वही। बात क्या हुई है जान सकता हूँ मैं? वेलो, लेकर जाइए इसे। हेलो, हाँ, वन मिनट। ए अल्बर्ट, ये ले,
घटिया आदमी है, पूछो मैटर तो बताता है पीटर। नेम? हाँ। एड्रेस? बालाजी GL ICR रेडी। हाँ। साइज? स्टेट? स्टेट क्यों? ओके, आई विल कॉल यू बैक इन 10 मिनट्स। ओके या। ये क्या है रे? ये जो मांग रहा है ना, उसे ऑर्डर देकर बनाना पड़ेगा। अभी चुपचाप वहाँ पूनम को भेज दो। कौन? वो बुढ़ी पूनम? बॉस, उसकी हाइट भी है क्या? वो उसे टेप से नापेगा क्या? सब कुछ अंदाज से ही होता है। तू भेज देना, वो खुद ही देख लेगी। तू अपना काम करना डाली। क्या है रे, आज कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही है, बात क्या है? तुम और एक हफ्ते के लिए मुझे बुक मत करना। वही मैं कहूँ। क्यों बेबी? कॉलेज एग्जाम्स हैं। कॉलेज एग्जाम? क्या पढ़ रही हो? इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस? लोकल में जो कमा रही हो कम पड़ रहा है क्या, जो इंटरनेशनल जा रही हो? ये सब तो मेरे लिए सिर्फ पॉकेट मनी है, लाइफ में सेटल भी तो होना है ना। तो फिर एक फिल्म में काम कर लेना था ना। क्यों, तुम भी साथ में काम करोगे? ज्यादा मत बोल शिल्पा डार्लिंग, अगले हफ्ते ज्यादा पैसा कमाने वाली हो, अपने आप को अच्छे से फिट कर लो। क्यों? लो सुनो, अगले हफ्ते एक मोटी पार्टी आने वाली है। ठीक है। कूल, रेखा ही होगी। Not cool. सब अंदर जाओ, जाओ सब जल्दी। Hey, lights off करो। क्यों आ गए? कहा होता तो मैं ही चलाता। चलो चलते हैं। अभी थोड़ा बिजी हूं, कल सुबह। सुबह? ठीक है, फिर तुम चलो, मैं आता हूं पीछे से। जल्दी आ जाना। क्या? ए, देखो रेखा कहां पर है, उसे ढूंढ कर निकालो। कौन? वो अपनी पुरानी रेखा? हाँ वही, एक जरूरी काम के लिए भेजा था उसे। पूछो हुआ कि नहीं। किसका फोन आ रहा है? मैं नहीं जानती किसका है। ये लो, तुम जल्दी से ये खा लो, ट्रेन का टाइम हो गया है। फोन नहीं उठा रही है। तो 10 मिनट के बाद फिर से ट्राई करना एक बार। वैसे इन लोगों को जरा जल्दी भगाना यहां से। मनी, आखिर बात क्या है? बताता हूं, गाड़ी में बैठ वहीं बात करते हैं। गाड़ी में बिठा रहा है, ना जाने मुझे कहां लेके जाएगा। चेतन,
कहाँ ले जा रहे हो? बिजनेस कैसा चल रहा है तेरा? अच्छा वो उसके बारे में पूछ रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझा था। मंदा चल रहा है आजकल। वैसे भी अब सलून में कौन आता है? आजकल सब लोग पार्लर जाते हैं। मैंने उस बिजनेस के बारे में नहीं पूछा। अच्छा वो भी मंदा ही चल रहा है आजकल। वेटिंग चार्ट में से पिकअप कर लेते हैं। और जो अंदर बैठी हुई थी वो सब? मेरे भरोसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें देखना पड़ता है। वो क्या है ना सर, स्कॉच पीना हो और वो भी गरम करके, तो दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। जैसा आदमी का टेस्ट हो वैसा उसके पास भेजता हूँ। कल जैसा मेरे बाप के लिए भेजा था वैसा ही ना। किसकी बात कर रहे हो? तूने ही उसे भेजा था ना। भाई ने कहा था तो फिर कैसे नहीं भेजता? कौन है वो? उसे मैंने, उम्र कितनी होगी? यही कोई 12-13 साल की होगी। सही बता। सही सही पता नहीं। कल वहाँ जो भी हुआ वो तुम्हें पता है? मुझे कुछ नहीं पता। साथ में रेखा गई थी, छोटी बच्ची है तो मैंने ही उसके साथ भेजा था। अभी वो कहाँ है? देखता हूँ। वो फोन नहीं उठा रही। वो दोनों लोग मुझे चाहिए 24 घंटे के अंदर, नहीं तो तुम गए। हाँ मणि, रेखा। रेखा ही उधर आई है क्या? नहीं भाई, आपको नहीं, आपसे नहीं कह रहा। यहाँ पर, वहाँ जरा पूछ कर देखिए ना भाई। ठीक है भाई, ठीक है, रखता हूँ। अरे यार, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कसम से कह रहा हूँ, रेखा यहाँ नहीं आई। ECR की तरफ कोई रेड नहीं हुई है। ठीक है बोलो। लड़की का नाम क्या है? रेखा ही ना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक है, फोन रख। और कोई काम नहीं है जैसे। देख उठा रही है। स्विच ऑफ आ रहा है? वो इस समय स्विच में। कृपया थोड़ी देर। ये तो स्विच ऑफ बता रही है। आखिर गई कहाँ होगी वो? मालूम नहीं भाई, मुझे लगता है मुंबई चली गई होगी। चल छोड़, बकवास मत कर। मुंबई उसके लिए कोई नई जगह नहीं है। साथ में एक छोटी बच्ची भी है ना, उसे वहाँ बेच देगी। ए, वो बंद कर तू अपना। रिलैक्स बॉस, मैं होता तो मैं भी वही करता। सर, अभी मुंबई जाने की कोई ट्रेन है क्या? 5:30 बजे बॉम्बे मेल ऑन टाइम, वो जा चुकी है। अब क्या करना है बॉस? अब तो उसी से मिलना पड़ेगा। किससे? लखन से।
बहन जी अपना टिकट दिखाइए। सुनिए, टिकट दिखाइए अपना, टिकट दिखाइए। ये कोई बैठने की जगह है क्या? अगले स्टेशन पे उतर के देख लेना, शायद पीछे वाली बोगी में जगह मिल जाए। पहुंचने में टाइम लगेगा क्या? हाँ, बहुत भूख लगी है। अगले स्टेशन पर हम लोग कुछ खा लेंगे, तब तक के लिए तुम चुपचाप सो जाओ। बेटा ये केला खा ले। माँ कुछ नहीं बोलेगी, ले खा ले। उसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मेरी माँ कितनी खूबसूरत थी ये तुम्हें पता है? ये बताओ, अभी तुम्हारी माँ कहाँ पर है? अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मैं तब से तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ क्या? हैं? अभी तुम कहाँ हो? माया के साथ क्या कर रहे हो? और क्या कर रहे थे इससे पहले? मेरे आदमी ने तुम्हारी फोटोग्राफ्स निकाल कर रखी हुई हैं। तुम्हारी बीवी को भेज दूँ ये सब? हैं? ठीक है, ठीक है। मेरा लड़का आएगा फोटो के साथ। जितने पैसे तय हुए हैं उसके हाथों भिजवा देना। तेरी बीवी के हाथों तुझे एक सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, तू क्लीन है। ए, मैं बोल रहा हूं, सो रहा है क्या? चल अब उठ जा। वो फोटो ले जाकर उसे दे दे और उसे पैसे लेकर आ जा। अरे वही है अपनी माया का मैटर। एक काम करना, उसकी एक कॉपी निकाल के उसकी बीवी के हाथों में दे देना। देख, धंधे का असूल होना चाहिए, क्यों? करेक्ट है ना? ठीक है, काम हो जाए तो फोन करना। आकर क्या है इस समय यहाँ कैसे? एक जरूरी बात करनी है तुमसे, अंदर आ जाऊं मैं? आ जा अंदर। जो तू नहीं सांवरे
क्यों रेखा, तुम ठीक तो हो ना? सुधाकर, तू है? हाँ मैं ही हूँ। नंबर बदल लिया, घर बदल लिया, फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, इतने सालों के बाद तू मेरे पास आया। आजा गाड़ी में बैठ जा। नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। अरे आना, बैठ जा रेखा, गणेश लॉज ही जा रही है ना, ड्रॉप कर देता हूँ मैं, आ जा। मुंबई से आने के बाद मुझसे मिलने के बारे में नहीं सोचा? तेरे से क्यों मिलूं मैं? अब ज्यादा बातें मत कर, गाड़ी स्टार्ट कर। कितना बदल गया है सब कुछ, याद है तुझे वो पहले वाले दिन? जाती थी बेंज में, बिजनेस ताज में, पब, डिस्को। पुरानी बातें क्यों दोहरा रहा है, मेरी अब वो उम्र नहीं रही ना। अरे तेरी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, कब तक काम चलाएगी 150 से? मुझे देख ले, मैं माहौल के हिसाब से बिजनेस चेंज करता रहता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बहुत अच्छा काम हाथ लगा है, अगर तू चाहे तो लाइफ अभी बदल सकती है। किसकी लाइफ, मेरी या तेरी? दोनों की बदल सकती है, तुझे भी पैसे मिलेंगे, मुझे भी पैसे मिलेंगे, और इतने पैसे मिलेंगे कि हमेशा के लिए लाइफ सेटल हो जाएगी, क्या बोलती हो? मुझे करना क्या होगा? तू उस प्रिया को जानती है ना? कौन? वो जो बियर फैक्ट्री चलाती है, वो प्रिया? वही प्रिया, उसे एक लड़की चाहिए। उसे चाहिए और मैं? उसे नहीं, दानिश लॉज का कस्टमर है, बड़ा आदमी है, कुछ अलग ही टेस्ट है, उसे चाहिए सिर्फ 10 से 13 साल की लड़की। क्यों, वो उसे गोद लेगा क्या? मजाक मत कर, 12 साल की होगी तो वो कोई बच्ची होगी, लड़की नहीं। उससे तुम्हें क्या, देने वाला पैसे उम्र के हिसाब से ही दे रहा है ना। तो फिर मेरा क्या काम? लड़की दिलवाने का काम तू ही करेगी डाली। देख सुधाकर, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती। लॉज आ गया है, गाड़ी रोक दे। तू लड़की को नहीं जानती तो क्या हुआ, लेकिन दिलावर को तो जानती है, उसी से पूछ लेना। ये तो मैं जानती हूँ, अपना काम निकालने के लिए तू किसी भी हद तक जा सकता है, कभी दिमाग से भी काम ले। बिजनेस बेबी, संयम से ही काम होता है, अब कोई बैंक हमें लोन थोड़ी देगा। देख मैं उस दिलावर से जाकर नहीं पूछ सकती, कोई और काम होगा तो बताना। कैसी बातें कर रही है, कमाना नहीं चाहती क्या? मैं तुझे समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ, सुन। किसी राज्य में एक राजा था, उस राजा ने एक कुत्ता पाला हुआ था, वो कुत्ता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। एक दिन वो राजा कुत्ते को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। गया तो था वो जंगल में शिकार खेलने, लेकिन रास्ते का पता ना चला और वो भटक गया। तीन दिनों तक वो रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। भूख से उसकी जान निकल रही थी, तभी उसकी नजरें अपने कुत्ते की तरफ पड़ी। वो कुत्ता दुम हिलाता हुआ उसे ही देख रहा था। जिसे आप दिल से चाहते हैं, उसे मारना बहुत बड़ा पाप है, और उसे मारकर खाना तो उससे भी बड़ा पाप है।
लेकिन बेचारा राजा करता भी क्या, उसने भूख की मजबूरी में अपने प्यारे कुत्ते को मार डाला और उसे ही खा गया। तो ये थी उस राजा और कुत्ते की कहानी। अब तू ही मुझे बता, उस राजा ने जो किया वो सही था या फिर गलत? तू ही बता, सही कहूं या गलत? ये तेरे ऊपर है, लेकिन एक बात तो है, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक राजा और दूसरा कुत्ता। तू उस राजा की तरह जीना चाहती है या फिर राजा के हाथों मारे गए उस कुत्ते की तरह? अच्छी तरह सोच कर बताना, मैं सलून में मिलूंगा। बिजनेस में सेंटीमेंट से काम नहीं चलता, अगर हीरे को भी गौर से देखें तो वो भी कोयला ही दिखता है। उस दिलावर से जाकर मैं क्या पूछूं? मुझे उसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं सुधाकर। उससे बोलना एक दिन के लिए चाहिए, ये पैसे संभाल कर रख ले, वो तुझे जरूर दे देगा। बोल रहा हूँ ना, जल्दबाजी मत कर। अरे भाई संभल के, बहुत जहरीला है ये। संभल के, संभल के। अरे आराम से, आराम से। देखा बहुत जहरीला सांप है ये। देख, आराम से। काटेगा भाई। क्या कर रहा है? बहुत गुस्से में भाई। अरे दूर से। अरे मर जाएगा। क्या कर रहा है? ए कहाँ जा रहा है? हम लोग दिलावर से मिलने आए। आउट हो गया ना, मैंने पहले ही कहा था। दूर से। तू कौन है? बोलना रेखा है, वो जानता ही से। नहीं बचेगा। संभल के यार, तुम क्या मैटर क्या है? ये तो रेखा है। रेखा तुम यहाँ? बड़े दिनों बाद आई तुम। भाई से मिलने आई है। उनसे मिलना है मुझे। आओ मेरे साथ। मामू ये अपने ही लोग हैं। ओके। तू कहाँ जा रहा अंदर? उसके साथ ही जा रहा हूँ। अरे तो वो गई है ना। भाई एक हाथ कम पड़ रहा है। हाथ कम पड़ रहा है उसे, तू जाएगा?
जा रेखा, डर क्यों रही है? आ जाओ और अंदर। और नजदीक। बहुत दिन हो गए तुझे देखे। अच्छी हो ना? यहाँ बिना बुलाए आई हो, क्या बात है? आपको मेरी एक मदद करनी होगी। क्या मदद चाहिए बोलो। मुझे एक लड़की चाहिए। लड़की? वो क्यों चाहिए? वो क्या है कि तुम जानती हो ना, मैं लोकल लोगों को लड़की नहीं देता। सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? बाहर जो मामा खड़ा है उसके लिए, मुझे उसके लिए काम करने के लिए कह रहे हो? हैं? रानी की तरह रहती थी मेरे साथ तू, और अब उस दो टके के आदमी की बात सुनकर गली गली भटक रही है, है? आप थोड़ा सोचकर बता दीजिए। उसके भरोसे लड़की नहीं भेज सकता मैं। मेरे लिए भेज सकते हैं ना? नदी की गहराई देखकर पैर रख रही हो ना? मैं वो पैसा लेकर आई हूँ। एक समय मैं तुम्हारी कीमत लगाता था, और अब तुम मेरी कीमत लगा रही हो? रहने दो। ए, कौन है वहाँ? भाई। रेखा मुझसे मिलने नहीं आई है, बिजनेस की बात करने आई है। ले जाओ इसे, जो चाहिए देकर भेज दो। ठीक है भाई, अब मैं चलती हूँ। ठीक है रेखा, मेरी भेजी हुई लड़की कल ठीक ठाक मेरे पास आ जानी चाहिए, ये बता देना उसको। अगर नहीं आए ना, तो जो हाल में उसका करूंगा वही तुम्हारा भी करूंगा। स्वामी तो निकला नहीं अभी तक? ट्रेन कल है भाई। ठीक है किनारे आओ रेखा, आ जाओ अंदर। यहीं रुको, मैं जाकर आता हूं। उठ जाओ साहब। ए,
तू आ। तुझे अलग से बोलूं क्या? इसे ले जाओ, बहुत होशियार लड़की है। मैं कार रेडी करके आता हूं। बनियान कंपनी में ले जा रही हो क्या मुझे? नहीं, तो फिर पटाखे की फैक्ट्री में? तो कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? पता नहीं कहाँ ले जाएगी मुझे। चलो कार रेडी है। ये मुझसे पूछ रही है कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे। तो तूने क्या बताया इसे? मैं इसे क्या बताऊं? कुछ भी बोल दे, बाद में देखते हैं। छोटी बच्ची है, ये बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों? इससे पहले कोई पाप नहीं किया तूने? गाड़ी में जो पैसे रखे हैं ना, उसका मीटर बढ़ रहा है। लेकिन ये बहुत छोटी है सुधाकर। जो भी है, बाद में बिकने ही वाली है ना। वहां मुंबई में जाकर सॉफ्टवेयर कंपनी में थोड़ी काम करेगी, वहां भी यही करेगी। क्या हुआ अगर इसे पहले ही यूज कर लिया तो? मैं सोच रही हूँ लड़की को लौटा कर पैसा वापस लेकर आती हूँ। अपने बात से पलट रही है तू? भिखारी कहीं की? सौदा पक्का हो गया है, अब तू पीछे नहीं हट सकती। भाई बात समझ में? चल गाड़ी में बैठ। अरे ये ले, जितना खाना है खा ले। कहाँ लेकर जा रही हो मुझे बताओ ना। देख वो सब रहने दे, तेरा नाम क्या है बता। नंदिनी। प्यारा नाम है। मुझे जवाब तो, कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? घर लेकर जा रही हूँ। किसके घर ले जा रही हो? हाँ? तुम्हारे घर ले जा रहे हैं। हाँ? मैं नहीं जाऊंगी अपने घर, तुम यही गाड़ी रोको। क्या कहा? गाड़ी यही रोको, नहीं तो मैं। इसे तू बच्ची कह रही थी, ये जो है ना तुझे और मुझे बेच खाएगी। जा समझा कर ले आ उसे। अगर तू गिर जाती तो क्या होता पता है? मर जाती और क्या होता। अब तू क्या करना चाहती ये बता मुझे। मैं कुछ भी करूं, तुम अपना काम करो।
तू मुझे छोटे बच्चे की तरह जवाब दे। देखो मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तब तो मुझे लगता है तेरी उम्र 30-35 साल होगी। उतनी तो छोटी बहन की है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं और कुछ खाते हैं। घबराओ मत, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, अब चलो। चलो ए उठो, चलते हैं उधर, देखते हैं बैठने की जगह है कि नहीं। चलो बोला बड़े भाई ने, दिया उस दिलावर ने, साथ में गई रेखा, आखिर ऐसा हुआ क्या होगा वहां पर? अरे उन दोनों को पकड़ोगे तभी तो पता चलेगा क्या हुआ। तुझे पेन से मारा था ना? अच्छा हुआ जो उसके हाथ में पेन ही था, अगर चाकू होता ना तो पैर गाड़ी में ही रह जाता। वैसे देखकर ये नहीं लगता कि जांग पर निशाना था। ए, बात को घुमाकर मजाक कर रहे हो? ठीक है भाई, लड़की की उम्र 12 साल है और डील करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उसे ढूंढने के लिए 24 घंटे, ऊपर से एक क्लू भी नहीं है। अब ऐसे में तुम कह रहे हो कि उसे ढूंढना है, तो ये काम आसान है क्या? किसी भी हालत में तुम्हें उसे ढूंढना ही है। लगता है मुझ पर ही केस बनाओगे हैं? ये कोई चेंज ढूंढने जैसा है कि कहीं से भी फटाफट मिल जाएगा? ये आग में हाथ डालने जैसा है, नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अगर तू नहीं करेगा तो फिर मैं कहां जाऊंगा? समझ सकता हूं तुझे उन्होंने मारा है ना, लेकिन बिना किसी क्लू के इतना बड़ा रिस्क उठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुश्किल है सुधाकर। तो बिना कीमत उसूले कोई काम नहीं करेगा, अच्छे से जानता हूं। ये ले, यही मांग रहा था ना तू, रख ले। तू तो बोलता था मुझे कभी नहीं देगा। जान से भी ज्यादा प्यारा है ये, रख ले रख ले। लेकिन भाई मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। सोने का अंडा देने वाली बत्तख है तू, तुझे ऐसे ही काट दूं? ये बता तुझे क्या लगता है वो दोनों कहां गए होंगे? मुंबई गए होंगे, और कहां जाएंगे? मुंबई गए होंगे। 4 साल से इस बिजनेस में है, साथ में एक छोटी सी लड़की है, पैसों की तंगी अलग, वहां उसे बेच देगी। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। देख सुधाकर, मुंबई जाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन अगर मुंबई जाकर वो वहां नहीं मिली तो फिर प्रॉब्लम तुझे होने वाली है, इसलिए निकलने से पहले कंफर्म करना होगा कि वो मुंबई गई है या नहीं। वो कैसे करें? रेखा का घर कहाँ है? हे, अगल बगल वालों से पूछताछ की तूने? हर किसी से पूछ लिया, सुबह से ही फोन लगा रहा हूं उसे, उठा नहीं रही है। रिंग जा रही थी कि अचानक ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। लगता है प्लान करके भागी है वो। क्या यार, प्लान करके जाएगी तो अपने घर को ऐसे ही छोड़ के जाएगी वो? ए,
यहाँ है ही क्या जो साथ लेकर जाएगी वो। ये जो राइट में है ना, यही है रेखा। थकी हुई लग रही है, बहुत कमजोर भी है। और ये बगल में कौन है दिखाना जरा, चेहरा पहचाना हुआ नहीं है, ये बिल्कुल भी लोकल नहीं है। तू अंदर जाके अपना काम कर। क्या बेकार में लगा हुआ है यहाँ, क्या मिलेगा इस कबाड़ खाने में। एए, बहुत हो गया खेलना कूदना, उसे ऊपर लेकर आओ। हरी साड़ी वाली मुंबई की ही लगती है, ये सभी मुंबई की ही फोटो है, देख लो। मुंबई की है? नहीं, ये देखो मुंबई का राशन कार्ड, पक्का वो वही की है। चलो उसे ढूंढते हैं। रुकना, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ए, मेरी जान लटकी हुई है यहाँ, तुमने उसके बारे में पूछा था, अब तो कंफर्म हो गया ना, चलो उसे ढूंढते हैं। ट्रेन कितने बजे निकलती है? 5:30 बजे। ठीक है, फिर हम अभी निकलेंगे ना तो उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। अब जो तूने बोला ना बिल्कुल सही है, चलो आओ आ जाओ। ये मेरे लिए है। हाँ पी ले। तुमने पी ली? हाँ मैंने पी ली, चाय फूक फूक कर पीना। ये बता, तुझे अपना घर पसंद नहीं है? नहीं पसंद। क्यों? उसके बारे में बात मत करो, बस नहीं पसंद। ये बता, तूने भागने के बारे में सोचा क्यों? पसंद नहीं था इसलिए वहां से भाग गई। मैं भी तेरी जैसी हूँ, घर पर ठीक नहीं लगा तो वहां से भाग गई। लेकिन उसके बाद इस दुनिया में मेरे साथ बुरा ही बुरा हुआ। तो फिर तो मुझे उस बुड्ढे के पास लेकर क्यों गई? तब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरे बारे में सोचा ही नहीं था।
हर एक इंसान के अंदर एक शैतान होता है, ये साबित हो गया। जैसे इस दुनिया में वो सुधाकर है, वैसे इस दुनिया में भगवान भी होता है, ये मैं मानने लगी हूँ। वैसे तुम मेरी माँ के जैसी बातें करती हो। अब तू भी मुझे अपनी माँ कह रही है। तुमने जो कहा सिर्फ उसके आधार पर बोली। तू अपनी माँ से बहुत प्यार करती है ना? अभी तेरी माँ कहाँ है? माँ मर गई वो। तो इसलिए तुझे अपना घर पसंद नहीं है? अब से मैं तेरे घर के बारे में कभी बात नहीं करूंगी, ठीक है? अब ये बता, क्या तेरी उस दीदी की उम्र वाकई 35 साल है? मेनन, मिस्टर मेनन, देखिए आपसे मिलने के लिए कौन आया है यहाँ पर। ये सबको पहचान पा रहे हैं और बात समझ भी जाते हैं। बात कीजिए। याद आया कुछ? देख सुधाकर, अभी भी बोल रहा हूँ मैं, वो मुंबई नहीं जा रही है। ए, तू चुप रह, तुझसे ज्यादा रेखा को मैं जानता हूँ। बोल रहा हूँ ना, वो पक्का मुंबई ही जा रही है। शादी इनके घर में हो रही है और टाइम हमारा बर्बाद कर रहे हैं। ए, रेखा के घर वाली फोटो देना। बेल्ट बांध ले। वो क्यों? बांध ले बोला ना। ए, 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 क्या कर रहा है? अरे दिलावर फोन कर रहा है। तो उठा भाई। कहाँ है वो? ड्यूटी पर गई है, अभी तक आई नहीं।
रेखा भी साथ में ही गई है। किस एरिया में? अपनी ईसीआर में ही भाई। जो लड़की ईसीआर में है वो त्रिची जाने वाली ट्रेन में क्या कर रही है? त्रिची जाने वाली ट्रेन में है? तुम मुझसे खेल खेल रहा है भाई, भाई। मैं किसी भी तरह लड़की को लेकर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं। ए, वो बोल रहा है त्रिची जा रही है। वो त्रिची नहीं जा रही, त्रिची जाने वाली ट्रेन में जा रही है। चुपचाप चलता चल। भाई गाड़ी निकलने से पहले सायरन बजेगा, तब चलती हुई ट्रेन से बच्ची को लेकर उतर जाना। ठीक है भाई। और रेखा? जरूरत पड़े तो उसे टपका देना। ठीक है भाई। पहचान कैसे लिया? फोटो को गौर से देख। छत पे कपड़ा सुखा रही है। दूसरा फोटो देख। ये तो किसी मंदिर का गुंबद है। ये किसी मंदिर का गुंबद नहीं है, रंगम का है। तूने कहा था ना वो मुंबई वाली है, वो मुंबई में नहीं है, शादी करके श्रीरंगम में सेटल हो गई है। गले में लटक रहा है देख मंगलसूत्र। रेखा भागी नहीं है, श्रीरंगम में छुपी हुई है। रेखा तुम यहाँ? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? एक समस्या आ गई है दीदी। ठीक है अंदर आ जाओ। आ जा चल। किसको लगा रहा है? दिलावर को लगा रहा हूँ। गुस्से में फोन कट कर रहा है बार बार। लड़की निकल गई तो चेतन को मैं क्या बोलूंगा? तू अब वो कर जो मैं कह रहा हूँ। चेतन को फोन लगा। चेतन को? हाँ। ए, वो बात ही नहीं करेगा देख लेना। अच्छा ठीक है, मनी को फोन करता हूँ। अगर वो बाथरूम गया होगा तो एक घंटे से पहले नहीं लौटेगा। जिंदगी की भीख मांगनी है तो चेतन से मांगना। कुछ भी हो समय हाथ से निकलता जा रहा है। हेलो चेतन। हाँ बोल। वो लड़की त्रिची जाने वाली ट्रेन से जा रही है। लड़की को पकड़ दे फिर फोन कर। क्या हुआ? कट कर दिया उसने। एक तो बात करता नहीं और दूसरा बात करता है तो सुनता नहीं। फिर से ट्राई कर। हेलो मनी सुन रहे हो ना? एक प्रॉब्लम है। क्या? वो लड़की दरअसल दिलावर की है। मैं एक दिन के लिए वहां से लेकर आया था। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम बोलने ही कहां देते हो। ठीक है तो अब क्या? लड़की ट्रेन से जा रही है, दिलावर को कैसे पता चला? उसे ट्रेन से ही गायब कर दिया उसने। हेलो दिलावर। हेलो मनी सुन रहे हो ना? हेलो 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 हेलो। तू जहां जा रहा है उसी रास्ते जा। दिलावर तुझे फोन नहीं करेगा, मैं उसे बोल दूंगा। ठीक है फिर मैं रखता हूँ। दो टके का आदमी। दो टके का आदमी।
तुम्हारा नाम क्या है? ए छोटू मोटू, तुझसे ही पूछ रही हूँ। मुंह से आवाज नहीं निकलती क्या? ओहो बेचारा। ए इधर देख। बू माँ। नाम क्या है तेरा? हाँ क्यों, तुझे बोलना नहीं आता क्या? आता है लेकिन मैं बोलूंगी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तू बोलकर दिखा तो सही। कंदा स्वामी। हाँ कंदा स्वामी, मैंने कहा था ना तुम्हें विश्वास नहीं होगा, गांव में सब मुझे इसी नाम से बुलाते थे। ओ तो तू ही है वो, तुझे ही पुलिस ढूंढ रही है। अम्मू देख तो ऊपर पानी गर्म हो गया है क्या? ए वहां बैठकर क्या कर रही है तू? चल जा, जाकर नहा ले। नहा लूं और वो भी मैं? अरे मुझे कितना तेज बुखार है, बाद में नहाऊंगी। बहुत हो गई तेरी एक्टिंग, तेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। चल उठ जाकर नहा ले। अरे चल उठ, रहने दो ना। उठ ना, मेरा पूरा बदन दुख रहा है। चल नहा ले। चल चल, छोड़ दो ना। चल जा। ए छोटू मोटू, बताऊं क्या तुझे? आया बड़ा। ए लड़की को उठा लिया तूने? मिस हो गए भाई, श्रीरंगम में लगता है कहीं छुपी हुई है। अपने लड़कों को भेजकर उसे ढूंढवाओ। नहीं रहने दे भाई। रहने दे कहा ना। अरे थोड़ा और शैम्पू डालो, झाग नहीं आ रहा है। पहले ही बहुत डाल दिया है, और कितना डालूं? डालो ना। अच्छा हमें ढूंढने के लिए पुलिस आ रही है यहाँ? तुझे किसने कहा? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी। आराम से, कितना जोर से रगड़ रही हो। जोर से रगड़ूंगी तभी तो मैल निकलेगा। आँख जल रही है। ए ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे अपना सिर धोने दे। क्या देख रही हो? वो उसी का दिया हुआ है। उसी का? किसका? वही भूत। कौन भूत? वो तेरी मौसी? तेरे बाप ने कुछ नहीं बोला? वो क्या बोलते, मैं कितना रोई थी। तुम्हें एक बात बताती हूँ, पहली बार स्कूल जाते हुए सब बच्चे रोते हैं ना, लेकिन जब मैं पहली बार जा रही थी तो मैं हंसते हुए गई थी। उस समय मेरी माँ थी मेरे साथ। तो फिर? फिर वो आ गई थी ना घर में, मुझे घर से निकाल दिया उसने। बनियान कंपनी में काम लगाने के बहाने उसने मुझे वहाँ जाकर बेच दिया। तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी ये सोचा था मैंने। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है अब चल, खाना खाते हैं। मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं है। मैं नहीं दूंगा। बात नहीं मानेगा तो मार खाएगा। मैं नहीं दूंगा। कहा ना दे दे। कह दिया मैं नहीं दूंगा। देख मैं बोल रही हूँ। नहीं दूंगा बोला ना। दे देना। नहीं दूंगा। अरे मैं तुझे दूसरा लाकर दे दूंगी। दे। ओम भर्गवस्वातस्य पितर्वर्यणं भर्गो देवस्य धीमहि। Thank you.
क्या हुआ चेतन, इतनी दूर आए हो? पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? आपसे कुछ बात करनी है। रुको एक मिनट। चेतन, क्या बात करनी है बताओ। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये तुम? क्या हुआ? तुमने अब तक कुछ नहीं बताया। कम से कम ये तो बता दो वो लड़की कौन है। ये लड़की भी मेरी तरह घर छोड़कर भागी है। कोई दलाल मिल गया होगा इसलिए भाग गई होगी बेचारी, यही बात है ना? दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है लेकिन इस धंधे के जो दलाल लोग हैं वो नहीं बदल रहे। इसकी इस हालत की एक वजह मैं भी हूं दीदी। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं लॉज में सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि मैं दो पैसे कमा सकूं। मुझे अपने इस काम में कोई गलती नजर नहीं आ रही थी पर अपना भविष्य पता नहीं था। पर एक बात जहन में जरूर होती थी कि लोग मुझ पर हंसते हैं, तो अपनी किस्मत बदलने के लिए मैंने ये खेल खेला। लेकिन किस्मत के खेल में मैं खुद ही फंस गई, इसलिए इस लड़की को लेकर भाग गई। तुम्हें वापस इस धंधे में नहीं जाना चाहिए था। दीदी, अगर मैं नहीं रही तो इस लड़की को तुम संभालोगी ना? ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्या कह रही हूँ ये मुझसे मत पूछो। नंदिनी को संभालोगी ये बताओ। नहीं, वो तेरे भरोसे आई है यहाँ पर, उसकी वजह से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। अब उसको अपने से अलग मत करो। नंदिनी को तुमने नहीं बचाया रेखा, बल्कि उसने तुम्हें बचाया है। ए,
वहाँ उसका घर कैसे ढूंढेंगे? रिया का घर बोला ना, रिया का घर ढूंढेंगे। फोटो में कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए पूछा था। अम्मा के पास से दो पुड़िया ले ले। पुड़िया ले लूं? इसके पास से? आम बेचने वाले के पास पुड़िया कहां से मिलेगी? आम। ए अम्मा, इधर सुन। दो हाथ का फूल मिलेगा क्या? 300 रुपए। ए, पैसे दे उसे। पैसे दूं? बिना पैसे के कुछ होता है? तुझे अगर काम पूरा करवाना है तो पैसे दे इसे। समझा नहीं कुछ? आंखें खोलकर सोने वाला आदमी है तू, और तेरे सामने जो बैठा है वो आंखें बंद करके देखता है। नहीं समझा ना? समझेगा भी नहीं। तू सिर्फ दांत घिसता रह, चुपचाप देखता रहे, मैं सारा मैटर संभाल लूंगा। काम नहीं चलता। दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। नंदिनी का तुम्हें ख्याल रखना होगा, गलत मत समझना दीदी। मैं हर महीने तुम्हें पैसे जरूर भेजती रहूंगी। रेखा, रेखा रुको, रेखा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया था। वो सब सुनने में अच्छा लगता है दीदी, पर हकीकत में नहीं। मेरे दुख को मेरे साथ जाने दो। मैं यहाँ पर आई थी, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। उस लड़की ने पूछा तो? कह देना मैं चली गई, वो समझ जाएगी। उड़ जा। कहाँ है? कहाँ है? श्रीरंगम पहुंच गए। अब उसका घर ढूंढना होगा। तो ये कौन सी बड़ी बात है?
श्रीरंगम में सिर्फ चार गलियां हैं और उन गलियों में एक माले का घर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। पंडित जी, सफेद कोबरम किस तरफ है? क्या बात है, आपने सही जगह पूछा और बिल्कुल सही सवाल पूछा। तो फिर वो किधर है? वो आप लेफ्ट से जाइए। कार वहाँ जा सकती है? भगवान का रथ जा सकता है तो फिर कार क्यों नहीं जा सकती? जाओ। ए, कह रहा है जा सकते हैं। चुप रहे, मैंने भी सुना। रेखा कहाँ है? अरे तो उठ गई, रुक जा मैं तेरा नाश्ता लगाती हूँ। रेखा कहाँ है? वो क्या है ना बेटी, उसे एक जरूरी काम के लिए मुंबई जाना पड़ा। एक हफ्ते में आ जाएगी वो। हाँ अम्मू। आज तुम ट्यूशन मत जाना, तुम भी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग नंदिनी के लिए नई ड्रेस लेने चलेंगे, ठीक है? पर जाने से पहले वो मुझे बता तो सकती थी ना। वो आई थी बेटा, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी, उसने सोचा तुम्हें उठाना ठीक नहीं है, पहुंच के वो तुम्हें फोन करेगी। रेखा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। हाँ कितनी देर पहले गई वो? यही एरिया है, इधर ही कहीं होगी वो। एक राउंड मारेंगे ना तो उसका घर मिल जाएगा। देख रहे हो इस समय पतंग उड़ा रहे हैं। रेखा है यहाँ? आप लोग? हम चेन्नई से आ रहे हैं, रेखा ने हमें फोन किया था, कह रही थी उसे थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए हम अंदर आ सकते हैं? सर यही घर है। लेकिन रेखा यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? सुनने में कुछ प्रॉब्लम में है वो? वो सब मुझे नहीं मालूम सर। वो नहीं है तो फिर एक काम करता हूँ, पैसे आपको दे जाता हूँ। नहीं रहने दीजिए, ऐसा कीजिए अपना फोन नंबर दे जाइए, रेखा आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ मैं?
फिर अभी मैं चलता हूँ, दोबारा आऊंगा। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? ज़्यादा टेंशन का माहौल है, मुझे नहीं आएगी। तू एक बार अंदर तो जाना, कोशिश कर, तू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जा। क्या? जा। छोड़ो मुझे। ए, रुक, कहाँ जा रही है? मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। अब जाओ। क्या हुआ, तू वहां से भाग कर आई है क्या? क्या हुआ, तुम जानकर क्या करोगी? अभी तुझे कुछ कहूंगी तो वो तेरी समझ में नहीं आएगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? ए, तू जाकर अपना काम देख। छे, कैसी बच्ची है ये, बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं। छे।
क्या कहा? मुंबई चली गई? क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? हट, तू अपना मुंह बंद रख। क्यों रे, तू इतना झूठ क्यों बोलती है? हैं? जो मुंबई जा सकती है वो मद्रास नहीं जा सकती? हैं? वो यहाँ क्या करने आई है? तेरे हाथ से कॉफी पीने के लिए? मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आई। मैं बताऊँ क्यों आई है? वो यहाँ क्यों आई है मैं बताता हूँ। तुझ में और रेखा में क्या कनेक्शन है मैं बताता हूँ। मुंबई में तू क्या करती है ये भी बताता हूँ। ये लड़की, तेरी माँ क्या करती है? लड़की को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी वो। क्या बोली? वो उस लड़की को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। तो कहाँ है वो लड़की? वो भाग गई। भाग गई? ए। मुझे लगता है वो रेखा को ढूंढने के लिए स्टेशन गई होगी। स्टेशन कहाँ पर है? यहाँ बगल में ही है। ए, तू बच्चों को देख, तू आ मेरे साथ। चल। दीदी, क्यों रेखा, कैसी हो तुम? तुझे मैंने जीने का रास्ता दिखाया तो तूने मेरी ही जान आफत में डाल दी, समझती क्या है खुद को? दीदी, तू मेरे साथ चाहे जो भी कर ले, लेकिन इस बच्ची को छोड़ दे। क्यों, ममता जाग उठी है? तूने इसे पैदा किया है क्या? सुधाकर, मेरी बात सुन सुधाकर। देख, तू ऐसा मत कर। मनी, सुधाकर बोल रहा हूँ। हाँ, लड़कियों को पकड़ लिया है। देख, इस बच्ची को छोड़ दे सुधाकर। यहीं पर, श्री रंगम में। ठीक है, हाँ मैं देख लेता हूँ। निकल चुका है, आ रहा है। श्री रंगम, जानती है हाथ पैर अभी तक कांप रहे हैं मेरे, आधी जान निकल चुकी है। तू वहां ऐसा क्या करके आई है रे? ये सब किस लिए? हम लोग फ्रेंड के घर जा रहे हैं ना, तो हमें खूबसूरत दिखना चाहिए। साथ में वो भी आएगा? हाँ, फिर तो ठीक है, वैसे भी वो पागल लगता है। चल अपना मुंह खोल। आ आ। तुमने नहीं लगाया? आज तू रानी है। ये ले, ये पहन कर आ जा।
क्या पीना चाहोगी? कोई सॉफ्ट ड्रिंक पियोगी? ऑरेंज जूस या कोक? कुछ भी दे दो। दोनों देता हूं, जो मन करे पी लेना। पूरा घर दिखा दूं? पहले पी लो, फिर दिखा देता हूं। नहीं, बस हो गया। तुम नहीं आओगी? नहीं, वो नहीं आएगी। तुम आओ। Thank you.
पता है क्या करके आई हो तुम लोग? हे, सुना तुमने? सुधाकर, तू मेरा चाहे जो भी कर ले, लेकिन इस बच्ची को छोड़ दे। इसे छोड़ दूं और खुद हलाल हो जाऊं? तूने फोन नहीं उठाया तो मेरा ये हाल कर दिया। हे लखन, तू ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है? कुछ तो बोल ना भाई, मेरा सिर फट रहा है यार। सुधाकर, तू जो कर रहा है वो पाप है। किसी भी तरह से इस बच्ची को बचा। तू जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहकर अब क्या फायदा होगा? वहाँ तुम लोग जो करके आई हो पता है ना, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ अब, स्टोरी क्लोज्ड। हेलो सुधाकर। हेलो सुधाकर। हाँ बोलो मनी। सुधाकर, अलगपुर पार करेगा तो ईंट भट्टी आएगा, वहीं लेकर आ जा। ठीक है मनी। चल चल मेरे साथ चल। अरे पकड़ो ना, लो पकड़ो इसे। ए, छोड़ इसे, अब रहने दे अभी। पकड़ो ना इसे। अरे क्या हो गया तुझे? जानता हूँ बहुत जल्दबाजी है, पर अभी जरा रुक। ए, ये क्या है, खेल रहा है? साइड हट। वजन मेरे हाथ में है, तू मुंह बंद करके बैठ। क्या हो गया तुझे? बैठ बताता हूँ। चेतन को फोन लगा। उसे किस लिए? लगाना बताता हूँ। बोल मणि, फोन चेतन को दे। तू कौन बोल रहा है? ये मैं चेतन को बताऊंगा। मुझे बता। ए, देना चेतन को फोन। तुझे जिसे ढूंढ रहा है वो लड़की मेरी कस्टडी में है। तुझे मालूम है कि वो लड़की दिलावर की है, लेकिन लड़की कुछ और ही कहानी बता रही है। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को लड़की की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सीरियस मैटर है, और वो भी उस उम्र की लड़की। बाहर पता चलेगा तो भाई का नाम जो है 5 करोड़ रुपए दे दोगे तो मैटर एकदम स्मूथ हो जाएगा। क्यों कर रहा है तू ऐसा? सुधाकर, तूने पूरी स्टोरी सुन ली ना? जानता है तू किसके साथ ये खेल खेल रहा है? तुझे क्या लगता है वो कोई पीटर है या पांडे है? सब पता है मुझे कौन है। तूने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की है तूने। माइनर लड़की है ये, मुझे सब पता है। तू अपना मुंह बंद रख। जगह आसपास ही है। मैं कोई बेवकूफ हूँ कि जहां वो बुलाएगा मैं चुपचाप वहां चला जाऊंगा? अब फोन कर उसे और उसे यहाँ आने को बोल।
बोल। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। जंगल के अंदर आ जा, गाड़ी बाहर ही रोक कर आना, और जितना अमाउंट बोला है वो सब लेकर आना। ठीक है, 10 मिनट में वहां आ जाऊंगा। सही किया ना? तेरे धंधे में अगर कोई उसूल होता है ना, तो मेरे धंधे का भी उसूल है। अभी जो मैं कह रहा हूँ तुझे गलत लगेगा, लेकिन हम दोनों का निशाना जो है ना, एक ही है, मनी। पैसा फेंको, तमाशा देखो। नो मनी नो हनी। क्यों हनी, सही कह रहा हूं ना? तो उसके बारे में नहीं जानता। तुझे क्या लगता है मुझे डर नहीं लगता है? मुझे भी हल्का सा डर लगता है, लेकिन वो सब सोचने का टाइम कहाँ है? गहराई जाने बिना पैर नहीं डालता है ये लखन। देखते हैं वो खाई कितनी गहरी है, ज्यादा गहरी हुई तो पलटी मार देंगे। तू बस बैठकर तमाशा देखना। गाड़ी उधर ही खड़ी कर दे। चेतन को बोल कि वो अकेले पैसा लेकर यहाँ आए। लड़की को उन्हें सौंप दिया, उनकी गुडविल मिली, एंडिंग तो ऐसी होनी चाहिए थी। लालच से कोई बचा है? मैंने पहले ही कहा था जरूरत से ज्यादा मत सोचो, पर तूने सुना? आम बेचने वाली बुड्ढी और ये सब एक जैसे हैं। कुछ भी हो, जान बच गई ये सोचकर खुश रहो। ए, तू अपना मुंह बंद रख।
पर एक बात अच्छी हुई, उस दिलावर का मैटर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुझे मुंह बंद रखने को कह रहा हूं। बेटे 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 रोना बंद करो, रोना बंद करो। नाम क्या है? नंदिनी। क्या तुम मेरे बाप को जानती हो? क्या तुम मेरे बाप को जानती हो? मैंने जानबूझकर जवाब दो। तुम मेरे बाप को जानती हो? मैं नहीं जानती। मेरे बाप ने
क्या किया था तेरे साथ? मुझे अपने साथ पूरा घर दिखाने ले गए थे। उसके बाद फिर वो मुझे रूम के अंदर ले गए और बड़ी सी रस्सी लेकर आए। तुम्हें बांध दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी। मैं डर के मारे मैं जोर से चिल्लाई और वो खड़े होकर बस आईने में देखते रहे। उसके बाद क्या हुआ? रोती रही। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक ब्लेड था। उन्होंने फिर क्या किया? वो वैसे ही खड़े थे और तभी दीदी ऊपर आ गई। कहाँ चले? ये तमाशा देख लो फिर जाना। साहब, इस बच्चे को छोड़ो। मुंह बंद कर अपना। मेरा बाप मर गया, उसका जिम्मेदार कौन है? तूने ही चाकू मारा था ना? नहीं।
जैसे ही तूने मेरे बाप को मारा है ना, अब इसे भी तू ही मार। मुझसे नहीं होगा। गाओ, जी भर के गाओ। देख लिया ना साहब? बताओ अब मैं क्या करूं? साहब इन सब का कारण मैं हूं, मुझे मार दीजिए, लेकिन इस बच्ची को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए साहब। इसे दफना दो और उन्हें जहां जाना है वहां छोड़ दो। सुनी ना फरियाद जाने कहाँ पे तुम छुपे हो, वो याद जाने ना वो याद जाने कहाँ है दिल तुम रुके हो। बहुत हो गया खेलना, चलो ऊपर आ जाओ। वो पर वो याद सताए हो, सभी कोशिशें मेरी सभी नाकाम होती रही, सब जाने हो। क्या मेरे दिल की दुआ में कोई असर नहीं दिखती तुम्हें, जो भेजी हमने दुआएं टुकरा के फिर क्यों दे दी हमें। कैसा है ओ रब्बा तेरा न्याय, मुझको बता दे तू, तूने दिल दिया इंसान को फिर। सुनी ना फरियाद जाने कहाँ पे तुम छुपे हो, वो याद जाने ना वो याद जाने कहाँ है दिल तुम रुके हो। वो लम्हे वो घड़ी वो पल वो याद सदाए हो, सभी कोशिशें मेरी सभी नाकाम होती रही, सब जाने हो। क्या मेरे दिल की दुआ में कोई असर नहीं, जो कुछ हुआ सब भूल जाओ, जो भेजी हमने दुआएं ये लो, बच्चे को अच्छी तरह से पालना। कैसा है ओ रब्बा तेरा न्याय, मुझको बता दे तू कहाँ है तू छुपा, ओ रब्बा अपना बता दे तू।
दीदी। वहाँ उसके बाद क्या हुआ था? वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, सब भूल जा। दीदी, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। पता है, लेकिन तेरा नाम नंदिनी ही अच्छा है।